गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट आर सेवन्थ चैप्टर एंड दैट वॉज ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। और सेवन्थ चैप्टर में हमने जो फर्स्ट पार्ट था हमारा अ बेकर फ्रॉम गोवा, उसको पढ़ लिया था। नाउ द सेकेंड पार्ट जो है हमारा कुर्ग। कुर्ग जो है एक हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है हमारा कंट्री, उसमें एक स्टेट कर्नाटका है और कर्नाटका में एक ये हिल स्टेशन है। कुर्ग के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि ये कितनी ब्यूटीफुल जगह है, एक ये हिल स्टेशन है। राइटर जो है कुर्ग के बारे में बताते हैं कि कुर्ग इज़ अ हिल स्टेशन एंड इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर। बैंगलोर और मैंगलोर जो है, जो कि कर्नाटका में, उसके बीच की एक उसके बीच का एक हिल स्टेशन है। और देखा जाए तो ये एक विजिटिंग प्लेसेस है, मैनी टूरिस्ट्स कम हियर। और स्पेशली जो विजिटिंग टाइम होता है कुर्ग में, क्योंकि हिल स्टेशन है, तो ये सितंबर टू मार्च, सितंबर से शुरू होता है और मार्च तक आप यहाँ पर जा सकते हैं। कुर्ग जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कई सारी यहाँ की स्पेशलिटीज़ हैं, जिसमें से कुछ स्पेशलिटीज़ जैसे कॉफ़ी प्लांटेशंस। कुर्ग एक फेमस हिल स्टेशन तो है ही सही, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे स्पाइसेस, मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशंस यहाँ पर होता है। कॉफ़ी यहाँ की बहुत फेमस है। इसके अलावा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, जंगल। इसके अलावा और जो फेमस चीज़ है वो है यहाँ के जो वॉरियर्स, यहाँ के जो पीपल हैं वो वॉरियर्स होते हैं। और यहाँ की हमारी इंडियन जो आर्मी में एक रेजिमेंट है, कुर्ग रेजिमेंट। तो यहाँ के जो जितने भी पर्सन्स हैं, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं वॉरियर्स होते हैं यहाँ के लोग। इसके अलावा स्पेशल जो है यहाँ पर, कि यहाँ के जो पीपल हैं दे कैन हैव फायर आर्म्स विदाउट एनी लाइसेंस। यहाँ के लोग जो फायर आर्म्स हैं वो रख सकते हैं, वेपन्स। और बात अगर की जाए यहाँ के लोगों की, स्पेशली वेमेंस की, सॉरी वेमेन की, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की वेमेन जो प्रिटी और ब्यूटीफुल हैं। यहाँ के लोग जो हैं डिफरेंट, यहाँ के लोगों का जो रिलीजन है वो डिफरेंट है, क्योंकि स्पेशली जो कुर्ग जो है, इसके बारे में ये कहानी है एक तरह से, कि कई साल पहले जो है यहाँ के जो एक तरह से ओरिजिन जो हुआ था, उसमें दो तरह के लोग थे, तो ग्रीक और दूसरा अरेबिक। कई सौ साल पहले अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो यहाँ पर आई और सेटल हो गई यहीं पर। और यहाँ के लोगों ने, तो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो यहाँ पर सेटल हुई और वहाँ के लोगों ने, लोकल जो वहाँ लोग रह रहे थे, उनसे एक तरह से मैरिज कर ली। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये ग्रीक ओरिजिन जो है, यानी कि जो एंसेस्टर्स हैं वो ग्रीस के हैं। और दूसरी जो ओरिजिनेशन की अगर हम बात करें तो ये अरब से भी बिलोंग रखती है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं एक तरह का क्लॉदिंग या हम कहें ड्रेस पहनते हैं, कूफिया, जो कि अरब के जो लोग थे खूफिया, उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर या रिजम्बलेंस करता है। बात करें हम कुर्ग की, तो ये यहाँ पर एक बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है। और स्पेशली जो ये है एक एडवेंचरस प्लेस भी है, रिवर राफ्टिंग, कनोइंग और कई तरह की आप यहाँ पर हम कह सकते हैं हिल क्लाइंबिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि हिल्स चारों तरफ हिल्स हैं, रेन फॉरेस्ट हैं और कई तरह के यहाँ पर आपको वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं इस चैप्टर को। कुर्ग, तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में हमारा जो सेकंड चैप्टर है कुर्ग, देखिए। द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन ऑफ कुर्ग लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका में ये सिचुएटेड है, वेस्टर्न इलाके में।
इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, लोकेटेड का मतलब ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इट इज़ लोकेटेड मिडवे बिटवीन बैंगलोर एंड मैंगलोर, इन दोनों के बीच का ये इलाका है. द सूटेबल टाइम टू विजिट कुर्ग इज़ फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, और चूंकि एक हिल स्टेशन है तो जो टाइमिंग है अगर आप विजिट करने जाएं तो सितंबर से मार्च के बीच में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं. दिस इज़ द वेरी सूटेबल टाइम. द प्लेस इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशंस एंड स्पाइसेस, और इसकी जो स्पेशलिटी है उसमें कॉफ़ी प्लांटेशंस और स्पाइसेस के लिए फेमस है. देयर आर अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब अलॉट ऑफ, कई सारी हम कह सकते हैं क्वांटिटी में, रैन फॉरेस्ट, यहाँ पर की रैन फॉरेस्ट हैं विच कवर 30% ऑफ द एरिया. इस जो एरिया है इसके 30% एरिया पर, यानी कि पूरा जो एरिया इसका 30% केवल रैन फॉरेस्ट या जो फॉरेस्ट है हमारे रैन, जहाँ पर बारिश होती है, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी एरिया है ये. द कुर्गी मैन आर ब्रेव वॉरियर्स, ये एक योद्धा होते हैं. हु आर परमिटेड टू कीप फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस ड्यू टू देयर ट्रस्ट वर्दीनेस, और ये लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं, इनके अंदर एक हॉस्पिटेलिटी की हम कह सकते हैं क्वालिटी पाई जाती है, और इसीलिए वॉरियर्स तो हैं ही सही हैं, और इनको एक परमिशन भी है कि बिना किसी लाइसेंस के फायर आर्म्स रख सकते हैं. और जैसा कि मैंने बताया था कि एक रेजिमेंट का नाम भी कुर्ग रेजिमेंट है, और एक हमारे जो इंडियन आर्मी के जो फर्स्ट चीफ थे उनका नाम है जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे, ये आपको याद रखना है. आगे देखते हैं. द वुमेन ऑफ कुर्ग आर प्रीटी, और हम कह सकते हैं ब्यूटीफुल. कुर्ग इज़ ऑल्सो नोन एज कोडाऊ एंड द कोडाउस, यानी कि कुर्ग जो है इसको कोडाऊ या कोडाउस भी कहा जाता है. दव आर हिंदूज बाय रिलीजन बट देयर कस्टम्स डिफर दोज ऑफ मैनिस्टर्न हिंदूज, हालांकि ये जो जगह है यहाँ पर कि यहाँ का जो रिलीजन है वो थोड़ा अलग है, यानी कि इंडिया जो है वो एक हिंदू कंट्री है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनके जो ट्रेडिशंस हैं रिलीजन से वो थोड़े हिंदुओं से अलग हैं. कैसे, दे मैरी विद देयर कम्युनिटी, और ये जो लोग हैं ये अपनी ही कम्युनिटी में मैरी करते हैं, शादी करते हैं. कोडाउस आर सेड टू बी ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, कोडाउस के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं ये किसके वंशज हैं, ग्रीक और अरेबिक, अरब के. सम सोल्जर्स ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सेटल्ड हियर, कई सौ साल पहले अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई थी और वो यहीं पर सेटल हो गई. ऑल्सो एज द एथनिक ड्रेस ऑफ कोडाउस, और कोडाउस की जो ड्रेस है जो पहनावा है कूपिया, ये किससे सिमिलर है, इस सिमिलर टू द अरब गारमेंट कूफिया. ये मैंने बताया था आपको कि दो तरह की यहाँ पर एक तरह से डायनेस्टी थी, या तो ये ग्रीक और अरेबिक. ग्रीक में अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आई, सेटल हो गई, और जो रिलीज कुछ जो हम कह सकते हैं कि परंपराएं थी, ट्रेडिशंस, वो हिंदुओं से अलग थी, तो यहाँ के जो लोगों की परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो ग्रीक लोगों से और अरेबिक लोगों से मिलते हैं. स्पेशली अरेबिक में जो अरब के लोग हैं वो एक क्लोथिंग पहनते थे या गारमेंट कूफिया, और यहाँ के लोग जो है कूपिया, ये सिमिलर है. तो इट इज़ सैड दैट मे बी देयर एंसेस्टर्स वर अरब्स और कुर्ड्स, क्योंकि यहाँ इनके जो एंसेस्टर्स थे पूर्वज वो या तो अरब से थे या ग्रीस से थे. इसके अलावा और क्या स्पेशलिटी है, द रिवर कावेरी, कर्नाटका में रिवर कावेरी जिसे हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम कुर्ग, ये यहीं से ओरिजिनेट होती है, इसकी उत्पत्ति यहीं से होती है, कावेरी नदी यहीं से बहती है. इसके अलावा इस नदी में द फिश नेम्ड महासीर इज़ फाउंड इन द रिवर,
और एक मछली का टाइप दिया गया है यहाँ पर नाम महाशीर, वो यहाँ पर पाई जाती है। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स, कई सारे जानवर जो हैं पक्षी हैं, लाइक किंग फिशर, लंगूर, स्क्विरल्स, गिलहरियाँ, एलिफेंट्स कैन बी स्पॉटेड अलोंग द रिवर, ये देखे जा सकते हैं नदी के आसपास। टूरिस्ट रिलैक्स इन द सरिन, सरिन पीसफुल चीज़ को कहते हैं, पीसफुल या काम उससे का सिनोनिम है। तो टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं क्योंकि ये पीसफुल एरिया है। टूरिस्ट रिलैक्स इन द सरीन और पीसफुल एटमोसफियर, यहाँ पर वो पीस लेने के लिए आते हैं। ऑल्सो एन्जॉय एडवेंचरस स्पोर्ट्स, और इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे रिवर राफ्टिंग हो गया, ये पानी में खेले जाने वाले कई सारे गेम्स या स्पोर्ट्स होते हैं, रिवर राफ्टिंग, कनोइंग, नाव चलाना, रैपलिंग करना, माउंटेन बाइकिंग, आपने देखा होगा कि माउंटेन पर लोग जो है बाइक चलाते हैं, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, एंड ट्रैकिंग। वाइल्ड ट्रैकिंग ऑन द नेचुरल हिल्स, एनिमल्स लाइक और जो मकैक्स हैं, मकैक्स एक काइंड ऑफ मंकी, मैलेबर स्क्विरल्स, लंगूर्स, ये कई सारे एनिमल्स, स्लेंडर लॉरिस, ये भी एक प्रकार का छोटा सा जानवर होता है जो कि स्पेशली इंडिया और श्रीलंका में पाया जाता है। दे कैन बी स्पॉटेड और दे कैन बी सीन ऑन द ट्रीज, ये पेड़ों पर दिखाई जा सक देखे जा सकते हैं जब आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हो, या आप कह सकते हैं माउंटेन बाइकिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, तो ये सारे जो जानवर हैं आपको दिखाई दे सकते हैं। द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर ब्रह्मगिरी हिल्स, और विजिटर्स अगर यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो हैं सही, लेकिन ब्रह्मगिरी हिल्स वो भी एक अट्रैक्टिव चीज़ें हैं। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं ब्रह्मगिरी की। निसार्ग धाम आइलैंड, कुछ दूरी पर एक आइलैंड है वहाँ पर आप जा सकते हैं। एंड बलाई कूपी तिब्बतियन सेटलमेंट्स, और बलाई कूपी ये एक तिब्बतियन सेटलमेंट्स, तिब्बत के जो लोग हैं जिन्हें हम मॉन्क्स कहते हैं, साधु, वो यहाँ पर आते हैं फॉर पीस, शांति के लिए, तो आप लोग यहाँ पर जा सकते हैं विजिट करने। कुर्ग गिव्स विजिटर्स अ फील ऑफ इंडियाज डाइवर्स कल्चर्स, और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ की जो संस्कृति वो थोड़ी हिंदुओं से अलग है क्योंकि अलग अलग डिसेंट से यहाँ पर लोग आए थे। जैसे यहाँ के जो एंसेस्टर्स थे वो अरब से भी थे और ग्रीक से भी थे, ग्रीस से भी, तो यहाँ पर डाइवर्स या डिफरेंट कल्चर्स हमें देखने को मिलता है। सो एक तरह से कह सकते हैं इट्स कुर्ग जो है एक तरह से जो हिल स्टेशन तो है ही सही, और हम कह सकते हैं ये एक हैवन है, अगर आप देखने जाएँ तो यू विल फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सेकेंड चैप्टर था कुर्ग, और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा टी फ्रॉम आसाम, थर्ड चैप्टर, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।